हाउ डू यू क्योर योर पीसीओडी? पीसीओडी को दूर करने के लिए सबसे आसान तरीका देखते हैं। पीसीओडी का मुख्य कारण है इन्फ्लामेशन, एक्सेस ऑफ इंसुलिन, प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन्स, ओबेसिटी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, पोल्यूशन इत्यादि। ये सब सिम्टम्स को दूर करने के लिए आइए देखते हैं कि हमें कौन कौन सी योगासन करनी चाहिए। नंबर वन, स्कैन साइनिंग ब्रीथिंग प्राणायाम या कपाल भाती। पद्मासन में अपनी बैक को स्ट्रेट करके बैठें, आंखें बंद रखें, माउथ को बंद रखें, लंबी गहरी सांस धीरे धीरे अपनी लंग्स में भरें, पेट को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए ब्रीथ आउट करें। इन्हेलेशन इसमें ऑटोमेटिक हो रही है, एक्टिव एग्जेलेशन, पैसिव इन्हेलेशन। कपाल भाती करने से महिलाओं की बॉडी के अंदर मेल हार्मोन्स को बैलेंस करता है, एक्सेस ऑफ इंसुलिन को बैलेंस करता है, हार्मोन्स को बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है, ओबेसिटी को रिड्यूस करता है, मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या दूर होती है, स्ट्रेस एंजाइटी दूर होती है। इस तरह कपाल भाती रेगुलरली करने से पीसीओडी जैसी समस्या दूर होती है। रेगुलरली 5 से लेकर 10 मिनट तक कपाल भाती आप अवश्य करें। नंबर टू, बटरफ्लाई या बदकुनासन योगा पोज। फुट की सोल्स को ज्वाइन करके बैठे, टोल्स के पास दोनों हाथों से टाइट पकड़े, लेग्स में अप एंड डाउन की मूवमेंट दे, बटरफ्लाई की तरह मूवमेंट दे। बदकुनासन योगा पोज में अपनी बैक को स्ट्रेट करके बैठे, आंखों को बंद रखें, ध्यान अपने लेग्स की मूवमेंट के ऊपर दें। बदकुनासन योगा पोज में हमारे थाई मसल्स में, लेग्स मसल्स में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचिंग्स होती है, जिसके कारण हमारे थाई मसल्स, लेग्स मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है, हमारे पेल्विक ऑर्गन से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स हार्मफुल केमिकल्स बाहर निकलते हैं। नियमित 5 से लेकर 10 मिनट तक बदकुनासन योगा पोज जरूर करें, पीसीओडी जैसी समस्या दूर होगी। बदकुनासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड जरूर करें, धीरे धीरे लंबी गहरी सांस अपनी लंग्स में भरें, धीरे धीरे भरें, ब्रीथ आउट करते हुए बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर धीरे धीरे बेंड करें, हेड को फ्लोर के ऊपर ले जाएं, हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाने के बाद ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। कुछ सेकेंड्स के बाद इनहेल के साथ अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, 2 से 3 बार सीटेड फॉरवर्ड बेंड जरूर करें। नंबर 4, रेक्लाइंड थंडरबोल्ट योगा पोज या सुप्त वज्रासन योगा पोज। वज्रासन पोज में बैठें, नीज को थोड़ी डिस्टेंस में रखें, दोनों हाथों को अपने बैक के पीछे फ्लोर के ऊपर ले जाएं, हाथों के सपोर्ट से अपनी बॉडी को धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करें, हेड की टॉप को फ्लोर के ऊपर ले जाएं, दोनों हाथों को थाइस के ऊपर रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी, बैक आपकी फ्लोर के ऊपर है, चेस्ट फ्लोर के ऊपर है, कंधे फ्लोर के ऊपर है। इस पोज में रुककर लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें, डीप इनहेल डीप एक्सहेल। इस पोज में आपके नेक के ऊपर स्ट्रेचिंग बहुत ही ज़्यादा होती है, थायराइड हार्मोन्स को बैलेंस करता है, पीसीओडी जैसी समस्या को दूर करने में यह पोज बहुत ही ज़्यादा सहायक है। धीरे धीरे अपनी बॉडी को स्टार्टिंग पोज में लाएं। नंबर 5, नौकासन या बोट पोज। पीठ के बल लेट जाएं, इनहेल के साथ अपनी लेग्स और बॉडी को धीरे धीरे एक साथ ऊपर उठाएं, हैंड्स को लेग्स के पैरालेल रखें, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में अपनी बॉडी को रोक कर रखें, निगाहें लेग्स के टोज के ऊपर दें। इस पोज में यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस मसल्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा तनाव महसूस होता है, जिसके कारण टॉक्सिन्स बाहर निकलती है। एक्जेल के साथ अपनी बॉडी को वापस फ्लोर पर लाएं, 2 से 3 बार दोहराएं। नौकासन या बोट पोज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल पोज है। इस पोज को करने से महिलाओं से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियाँ दूर होती है, यूट्रस डिसीज दूर होती है। इस पोज को नियमित करें, ओबेसिटी दूर होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स दूर होती है, पीरियड्स को रेगुलेट करके
बॉडी में हार्मोन्स को बैलेंस बनाए रखने में यह पोज बहुत ही ज़्यादा सहायक है। महिलाओं को यह पोज अवश्य ही करनी चाहिए। ब्रीदिंग टेक्निक के थ्रू इस पोज को नियमित करें, 2 से 3 राउंड करें। नंबर 6, पवन मुक्तासन या गैस रिलीज पोज। इनहेल के साथ नीज को होल्ड कर चेस्ट के पास प्रेस करें, दोनों हाथों से प्रेस करें, सांस छोड़ते हुए नोक से नीज को टच करें। ब्रीथ को होल्ड कर अपनी बॉडी को इस पोज में रोक कर रखें। इस पोज का जैसा नाम वैसा काम, यानी गैस से जुड़ी हुई बीमारियां दूर होती है, गैस प्रॉब्लम्स दूर होती है। इस पोज को नियमित करें, यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को धीरे धीरे फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। 2 से 3 बार तक गैस रिलीज पोज अवश्य करें। पीसीओडी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए नंबर 7 है व्हील पोज यानी चक्रासन। चक्रासन या व्हील पोज के इजी स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ। बैक की तरफ लेट जाएं, लेग्स को नीचे से होल्ड करें, हाथों के सपोर्ट से अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, बैक को ऊपर की तरफ पुश करें। व्हील पोज में अपनी बॉडी को अपनी क्षमता के अनुसार रोक कर रखें। इस पोज को नियमित करने से मोटापा जैसी प्रॉब्लम्स दूर होती है, वेट रिड्यूस होने के कारण पीसीओडी जैसी समस्या दूर होती है, साथ साथ में थायराइड हार्मोन्स का बैलेंस बना रहता है, बॉडी के अंदर मेल हार्मोन की प्रोडक्शन को नियंत्रण में रखता है। पीसीओडी को नेचुरल तरीके से ठीक करने के लिए योगासन नियमित करें। अब नंबर 8 मंडूकासन। इनहेल के साथ नाभि के ऊपर अपनी हथेलियों को रखें, नाभि के ऊपर प्रेस करें, एक्जेल के साथ अपनी बॉडी को धीरे धीरे बेंड करें। इस पोज में अपनी बॉडी को अपनी क्षमता के अनुसार रखें। मंडूकासन पोज करने से लीवर किडनी स्टिमुलेट होती है। यूट्रस डिसीज को दूर करने में मंडूकासन पोज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम दूर होगी। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को स्टार्टिंग पोज में लाएं। नंबर 9 उष्ट्रासन यानी कैमल पोज। नीज के ऊपर खड़े हो जाएं, बॉडी को अपनी लेग्स के ऊपर बेंड करें, अपनी क्षमता के अनुसार उष्ट्रासन पोज में अपनी बॉडी को रोक कर रखें। इस पोज को इंग्लिश में कैमल पोज कहते हैं। इस पोज को नियमित करने से थायराइड डिसीज दूर होती है। ओबेसिटी को रिड्यूस करके पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम्स को यह पोज दूर करने में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। उल्ट्रासन पोज नियमित करने से बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है, यूट्रस डिसीज दूर होती है। इस पोज को करने से यूट्रस से टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। अपनी बॉडी को धीरे धीरे स्टार्टिंग पोजिशन में लाएं। इस पोज को नियमित करें, यूट्रस डिसीज को दूर करने में यह पोज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। नंबर 10 कैट स्ट्रेच या मजदारिया आसन। कैट पोज में अपनी बॉडी को लाएं, इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी हेड को ऊपर उठाएं, बैक को नीचे की तरफ पुश करें, एक्जेल के साथ अपनी हेड को चेस्ट की तरफ बेंड करें, बैक को ऊपर की तरफ पुश करें। इनहेल और एक्जेल के साथ अपनी हेड और बैक में मूवमेंट दें। इस पोज को नियमित 5 से लेकर 10 मिनट तक जरूर करें। इस पोज को नियमित करने से यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस से टॉक्सिन्स बाहर निकलती है। पीसीओडी जैसी समस्या को दूर करने में यह पोज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इस पोज को नियमित करने से ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम्स दूर होती है, बॉडी में हार्मोन्स बैलेंस बने हुए रहते हैं, थायराइड डिसीज भी दूर होती है। मर्दारिया आसन पोज रेगुलरली करने से इंसुलिन हार्मोन्स मेल हार्मोन्स को नियंत्रण में रखकर पीसीओडी जैसी समस्या को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक है। इस पोज को नियमित करें, पीसीओडी को नेचुरल तरीके से ठीक करने के लिए योगासन नियमित करें। योगासन को अपने जीवन का एक अंग बनाएं। योगासन करने से अंगों की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है, मोटापा दूर होता है, पीरियड रेगुलेट होती है। इस तरह योगासन के बहुत सारे फायदे हैं। अब नंबर 11 फिश पोज यानी मत्स्यासन पोज। लोटस पोज में बैठें, दोनों हाथों को बैक की तरफ फ्लोर के ऊपर ले जाएं, हाथों के सपोर्ट से अपनी बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें, हेड के टॉप को फ्लोर के ऊपर टिकाएं, दोनों हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़ें, बैक को ऊपर की तरफ पुश करें। इस पोज में अपनी बॉडी को रोक कर लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें, डीप इनहेल डीप एक्सहेल। मत्स्यासन पोज नियमित करने से थायराइड डिसीज दूर होती है, मोटापा
दूर होता है, जिसके कारण पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम्स दूर होती है। मत्स्यासन पोज आप नियमित करें, अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में अपनी बॉडी को रोककर रखें। कुछ सेकेंड्स के बाद धीरे धीरे हाथों की सपोर्ट से बॉडी को स्टार्टिंग पोजिशन में लाएँ। नंबर 12, सेतु बंधासन या ब्रिज पोज। पीठ के बल लेट जाएं, लेग्स को नीचे से फोल्ड करें, थोड़ी डिस्टेंस में रखें, दोनों हाथों को फ्लोर के ऊपर अपने थाइस के पास रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। इनहेल के साथ अपने बैक को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, चिन चेस्ट से सटी हुई है। इस पोज में ब्रिज को होल्ड कर अपनी बॉडी को अपनी क्षमता के अनुसार रोक कर रखें। इस पोज को नियमित करने से थायराइड डिजीज दूर होती है, मोटापा दूर होता है, यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस से टॉक्सिन बाहर निकलती है। एक्जिल के साथ अपनी बॉडी को धीरे धीरे फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। 2 से 3 बार तक इस पोज को जरूर दोहराएं, पीसीओडी ठीक होगी। नंबर 13, भुजंगासन या कोबरा पोज। पेट के बल लेट जाएं, हाथों को चेस्ट के पास रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं, ब्रीथ को होल्ड कर अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में अपनी बॉडी को रोक कर रखें। इस पोज को नियमित करने से थायराइड डिजीज दूर होती है, मोटापा दूर होता है। इस तरह पीसीओडी को दूर करने में यह पोज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इस पोज को नियमित करने से यूट्रस डिजीज दूर होती है। एक्जेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को स्टार्टिंग पोजिशन में लाएँ। 2 से 3 बार तक भुजंगासन जरूर करें। नंबर 14, पश्चिमोत्तासन या सीटेड फॉरवर्ड बेंड। लेग्स को सामने स्ट्रेट करके बैठे, इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं, एक्जेल के साथ अपने बॉडी को धीरे धीरे सामने अपने लेग्स के ऊपर बेंड करें, नीज को फोल्ड ना करें, हेड को अपने नीज के ऊपर टिकाकर ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में अपनी बॉडी को रोक कर रखें। पश्चिमोत्तासन नियमित करने से बॉडी में हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। इस पोज को नियमित करने से इंसुलिन मेल हार्मोन्स का संतुलन बना रहता है, जिसके कारण पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम्स दूर होती है। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं, एक्सहेल के साथ दोनों हाथों को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। 2 से 3 बार तक पश्चिमोत्तासन पोज आप नियमित करें। नंबर 15, उत्तान पादासन। इनहेल के साथ लेग्स को थाइस तक ऊपर उठाएं, एक्सहेल के साथ धीरे धीरे फ्लोर के ऊपर वापस लाएं, इनहेल के साथ धीरे धीरे थाइस तक ऊपर उठाएं, एक्सहेल के साथ धीरे धीरे फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। 5 से लेकर 10 मिनट तक उत्तान पादासन नियमित करें। हमारी बॉडी के सभी नस नाड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस पोज को करने से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। यूट्रस से टॉक्सिन को बाहर निकालने में यह पोज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इस पोज को नियमित करने से मोटापा दूर होती है, यानी ओबेसिटी को दूर कर यह पोज पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। 5 से लेकर 10 मिनट तक उत्तान पादासन पोज आप नियमित करें। अगर पीसीओडी को दूर करना है तब योगासन नियमित करें। इसके बाद नंबर 16, सर्वांगासन पोज। कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए अपने लेग्स को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, सावधानी पूर्वक ऊपर उठाएं, लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट अपने नोज के ले जाएं। इस पोज में अपनी बॉडी को रोककर रखें। इस पोज को सर्वांगासन पोज कहते हैं। इस पोज को नियमित करने से यूट्रस से टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, जिसके कारण पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम्स दूर होती है, थायराइड डिजीज भी दूर होती है। धीरे धीरे लेग्स को अपनी हेड की तरफ फ्लोर के ऊपर बेंड करें। यह है हलासन पोज। हलासन पोज आप नियमित करें। हलासन पोज को करने से चिंता तनाव दूर होती है, थायराइड डिजीज दूर होती है। पीसीओडी को दूर करने में यह पोज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अपनी क्षमता के अनुसार अपनी बॉडी को हलासन पोज में रखें। हलासन पोज में हमारे चिन चेस्ट से जुड़ी हुई है, जिसके कारण हमारे नेक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव महसूस होता है, जिसके कारण थायराइड हार्मोन्स बैलेंस होता है और थायराइड डिजीज दूर होती है। पीसीओडी को दूर करने के लिए थायराइड डिजीज को भी दूर करना होगा, इसलिए इस पोज को नियमित करें। अपनी क्षमता के अनुसार ही अपनी बॉडी को इस पोज में रोक कर रखें। जिन लोगों को यह पोज करने में दिक्कत हो, वे लोग इस पोज की प्रैक्टिस जरूर करें। पहले बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करें, फिर इस पोज को करें। धीरे धीरे लेग्स को ऊपर उठाएं, स्टार्टिंग पोज में
ले जाएं। सर्वांगासन और हलासन पोज हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्योर ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, ऑक्सीजन फ्लो को इंक्रीज करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में ये सब पोज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। यूट्रस से टॉक्सिन को बाहर निकालकर पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करने में सहायक है। योगासन नियमित करने से मोटापा दूर होती है, हार्मोन्स बैलेंस बने हुए रहते हैं, पीसीओडी जैसी समस्या दूर होती है। पीसीओडी को नेचुरल तरीके से ठीक करने के लिए योगासन नियमित करें। सबसे लास्ट में शवासन अवश्य करें। सभी अंगों को एक एक कर रिलैक्स करें। इस पोज में सांस नॉर्मल रहेगी, इसमें कोई भी ब्रीदिंग टेक्निक नहीं है। शवासन पोज करने से स्ट्रेस एंजाइटी दूर होती है। शवासन पोज करने से अंगों में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है। पीसीओडी को नेचुरल तरीके से ठीक करने के लिए योगासन नियमित करें। हार्मोन्स बैलेंस होगी, मोटापा दूर होगा। पीसीओडी कोई बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है। अगर हमारे मन में इच्छा है तब हम इस बीमारी को नेचुरल तरीके से योगासन करके ठीक कर सकते हैं। अपनी आहार के ऊपर भी विशेष ध्यान दें। जंक फूड से बचें, प्रोसेस्ड फूड न खाएं, ज़्यादा तले हुए पदार्थ से बचें। अपने आहार में फाइबर युक्त अनाज लें, हरी पत्तेदार सब्जियां लें, सीजनल फल लें, जूस लें। इस तरह पीसीओडी को नेचुरल तरीके से ठीक करें। थैंक यू एवरीवन। कमिंग सून।